नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या हम किस कोई वशीकरण साधना भी होती है, इस विषय में हम बात करेंगे, या हम क्या किसी साधना के द्वारा माँ दुर्गा से या किसी भी देवी देवता से किसी को मांग सकते हैं। किसी का संभाल था बहुत लंबे टाइम से, तो आज इसी पर वीडियो बन रही है। दोस्तों फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं कोई वशीकरण साधना वगैरह इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, ना ही मैं ऐसी कोई साधना करता हूँ, ना मैंने कभी ऐसी साधना का कहीं देखा है कि वशीकरण साधना वगैरह कुछ होती होगी। आई डोंट नो कि अगर कोई ऐसी करवाता है कि नहीं, वो कितनी सही है कितनी नहीं है वो उनका टेक है, मैं उस पर कोई कमेंट या प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। अब जो है, इनका सवाल ये भी था कि क्या साधना करके माँ दुर्गा की या किसी भी देवी देवता की किसी को मांगा जा सकता है। दोनों ही अवस्थाओं में अगर कोई ऐसी वशीकरण साधना होती भी है, आई डोंट नो, पर आप सबसे बड़ी बात ये देखिए ना कि आप किसी का भी प्यार ज़बरदस्ती नहीं हासिल कर सकते। और अगर आप नॉर्मल किसी साधना की भी बात कर रहे हो, या आप किसी माँ दुर्गा की भी कोई साधना कर रहे हो या कोई देवी देवता की भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता इन्हें किसने वशीकरण साधना का या माँ दुर्गा की साधना का आइडिया दिया या किससे ये संपर्क में है, पर अगर इनके इनसे मैं यही कहूँगा और हर इंसान से यही कहूँगा कि अगर आप किसी साधना के थ्रू किसी को ज़बरदस्ती पाना चाहते हो, ज़बरदस्ती किसी का प्यार पाना चाहते हो, तो मुझे तो खैर अपने पर्सनल लेवल पे कहूँगा नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। अगर आपको लगता है पॉसिबल है और आपको लगता है सही है, तो आप देख लो, अपने हिसाब से देखो, आप अपने अपने अंतर मन में झांक के देखो कि क्या ये चीज़ सही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप ज़बरदस्ती किसी का प्यार नहीं ले सकते। ज़बरदस्ती आप एक मिनट के लिए किसी को किसी वशीकरण द्वारा या किसी भी वे में प्रभावित करते भी हो अगर, तो वो चीज़ भी टेम्प्ररी होती है, और एक मिनट के लिए वो रुके भी रहे भी, तो एक चीज़ आपको बता दूँ, जो प्यार खुद की इंसान की इच्छा से होता है, खुद की उसकी आत्मा से कोई बंदा आपसे प्यार करता है, तो उसका मज़ा, उसकी कसक, उसकी खुशी अलग ही होती है। आप ज़बरदस्ती किसी को उकसाओगे या ज़बरदस्ती किसी को फोर्स करोगे कि वो आपको प्यार करे बदले में, तो वो सुख, वो कशिश के साथ वो प्यार आपको नहीं मिल पाएगा जो ओरिजिनली वो इंसान आपको देता अगर वो आपको चाहता होता। हमेशा जहाँ चाहत की बात होती है, प्यार मोहब्बत कभी भी ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, ये हमेशा म्यूचुअल होती है। आप किसी को चाहते हो, वो आपको चाहता है, तब जो इश्क और प्यार जो होता है, जब दो लोग मिलते हैं, तो उसकी जो अहमियत होती है, उसकी जो खूबसूरती होती है, उसका जो मज़ा होता है, उसका जो सुकून होता है आत्मिक, वो उसके कोई लफ्ज़ नहीं होते। शारीरिक सुख तो लोग लेते ही हैं जो एक दूसरे को चाहते हैं, जिस्मानी सुख लेते ही हैं, पर आत्मिक सुख की भी प्राप्ति होती है। जहाँ बात एक तरफा प्यार में आ जाती है, या जिसको आप अपने प्यार का नाम दे देते हो, और वो हवस भी हो सकती है कि आपका प्यार ना हो, क्योंकि अगर आप वाकई में सच्चे मन से प्यार करते हो, सामने वाला आपको प्यार नहीं करता, तो प्यार की परिभाषा ये होती है कि प्यार में त्याग भी होता है। आप उस बंदे को खुश रह के, उसको खुश देख के भी आप खुश होते हो। अगर वो किसी और के साथ भी है और उसके साथ उसको खुशी मिल रही है, तो उससे भी आपको सुकून मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में ये प्रवृत्ति होती है कि नहीं, उसको उससे छीनना है और छीन के मुझे अपने अपने पास लेके आना है, तो वो प्यार पता नहीं किस टाइप का वो प्यार है। और आज के उसमें युग में लोग इतने एक तरफा प्यार के चक्कर में अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया भर के वशीकरण के ऐप, वशीकरण के टोने टोटके यूट्यूब पे भरे पड़े हैं कि इससे वशीकरण करो आपका प्यार आ जाएगा, एक तरफा प्यार खोया वापस आ जाएगा, ये प्यार भगिया है, तो कोरी बकवास लोग फैला रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कितने सक्सेसफुल होते होंगे ऐसे टोने टोटके और साधनाएँ, आई डोंट नो, या किसी के होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि मैंने आज तक ये काम किया नहीं, तो मैं इस बारे में क्या कमेंट करूं आपको। पर अपने पर्सनल लेवल पे यही कहूंगा, अगर किसी का प्यार चाहिए तो ज़बरदस्ती से मत लीजिए। अगर कोई आपको चाहता है, तो उस प्यार को करने में, उस प्यार को जीने में मज़ा ही अलग है। आप अपने आप को उस जगह रख के देखिए। देखो, हर इंसान की एक लाइकिंग होती है, किसी के प्रति होती है, किसी के प्रति नहीं होती। जिस तरीके से आप किसी को चाहते हो, किसी को नहीं चाहते, कोई बंदा आपको अपीलिंग नहीं लग रहा है इन एनी वे, तब वो बंदा चाहे कितना ही सोने का हो, चाहे उसका दिल कितना ही सोने का हो, कितनी बारी आपके पास आया, मना कर दोगे।
अगर वो आपके ऊपर ऐसा टोना टोटका कराने लग जाए वशीकरण का, या कोई साधना से आपको पाने लग जाए और आप पूरे वो हो गए, कंट्रोल में हो गए वशीकरण से, किसी टोने टोटके से, किसी से कंट्रोल में हो गए आप और उसके पीछे भागने लगे, तो आप बताओ आपको कैसा महसूस होगा? कल को आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपके ऊपर ज़बरदस्ती की गई है या किसी न किसी कारण से, किसी चीज़ द्वारा आपको प्रभावित किया गया है। और अगर मैं ईश्वर की भी बात करूं तो मुझे नहीं पता कि माँ दुर्गा या कोई भी देवी देवता या कोई भी इस तरीके की परमिशन आपको देंगे कि आप किसी का प्यार ज़बरदस्ती पाओ। अगर आपके भाग में, आपकी किस्मत में उस इंसान का प्यार लिखा है, उसके द्वारा सुख भोगना लिखा है, तो वो आपको इंसान ज़रूर मिलेगा। और प्यार हमेशा बिस्तर पर ले जाने वाला प्यार नहीं होता, दोस्ती का भी प्यार होता है, भाई बहन का भी प्यार होता है, हर तरीके से हर इंसान किसी ना किसी जब से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट हो जाता है। पर अगर आप हर किसी को एक ही निगाह से देखोगे कि भाई मैंने ये पर्टिकुलर इंसान को मैं चैन लगाऊं कि अब तो ये मेरे साथ होना चाहिए या होनी चाहिए, तो या तो ये सेल्फिशनेस है या पागलपन है, या एक मिनट के लिए आपका सच्चा प्यार भी है तो भी अगर जब तक सामने वाला बंदा आपको म्यूचुअली रिएक्ट ना करे, वैसा ही प्यार देने के लिए तैयार ना हो, तब तक मेरे राय में तो ज़बरदस्ती करना या इस तरीके के हथकंडे अपनाना बेकार की मेहनत है, बेकार का परिश्रम है। और उनका सवाल था भाई साहब का कि क्या वशीकरण साधना से प्यार मिल जाता है या माँ दुर्गा की साधना से हम किसी को पा सकते हैं? मुझे नहीं पता कि पा सकते हैं कि नहीं पा सकते, या किसने आपको ये पट्टी पढ़ाई। आपका टेक है वो आप देखिए, आप अपने अंतर मन से खुद पूछिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और कितनी ये चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास जब भी कई लोगों की क्वेरी आती है कि हमें इस पर वशीकरण करना है, हमें उस पर वशीकरण करना है, तो वो लोग ब्लॉक ही होते हैं मेरे द्वारा, क्योंकि मैं ना वशीकरण करवाता हूँ, ना वशीकरण सिखाता हूँ, ना मेरे मैं इस चीज़ को जायज़ समझता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, और जिन भी भाई साहब का सवाल था इतने लंबे से समय से आप पूछ रहे थे तो आपको जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को ताकि आपको पैरालौकिक आध्यात्मिक दुनिया के बारे में जानकारी मिले, यानी कि पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। अगर आपको मेरी धुनी चाहिए तो मोबाइल नंबर 8130331007 पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए, आपको धुनी हर तरीके की यहाँ पे मिल जाएगी। मोबाइल नंबर 8130331007, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। चाहे नेगेटिविटी है, चाहे ब्लैक मैजिक है, चाहे भूत प्रेत का साया है, हर चीज़ दूर हो जाएगी। चाहे खिला के आपको प्रेत चढ़ाया गया तो वो भी हट जाएगा। बाकी आप मुझसे कॉल कंसल्टेशन करके फ़ोन पे भी बातें कर सकते हैं, अपनी कुंडली भी मुझसे बनवा सकते हैं, इसी नंबर पे आपको संपर्क करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। आप अपनी पर्सनल परेशानी ईमेल भी कर सकते हैं, pulkitsingla901@gmail.com पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।